नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 2 सितंबर, कल के सेशन की अगर बात करें तो हमने एग्री डेस्क के अंदर गिरावट आती हुई दिखी और प्राइजेस इस वक्त करीबन 1125 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर एग्री डेस्क में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल जाते हैं कि पूरे ही एग्री पैक में गिरावट का रुख है। तो आज हम ओवरऑल देखें तो एग्री में एक गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। एग्री डेस्क में ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो 1130-35 का जो रेंज है ये अच्छा रेंज है बेचने के लिए, जो नीचे में 1100-1110 तक का लेवल दिखा देगा। कल के सेशन में एग्री डेस्क में हमने 1140 के करीब की क्लोजिंग देखी है। वहीं अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो मॉनसून को देखते हुए डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी जिसके चलते प्राइजेस में एक बड़ी तेजी थी, बट अब हायर लेवल्स पे कोई बड़े लेवल नहीं है जिसके चलते मार्केट में फिर से हम एक गिरावट देख पा रहे हैं। आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो सबसे पहले सोयाबीन ने जिस दिन से 4000 के नीचे की क्लोजिंग दी है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, तो आज सोयाबीन को बेच के चलिए 3920 से लेकर 3840 तक के टारगेट देखने के लिए अगले 2 सेशन में। रिफाइंड सोया ऑयल डाउन साइड लिमिटेड रहेंगे, 880 के सपोर्ट पे वापस बाइंग करनी चाहिए जो 890 तक का लेवल दिखा देगा। मस्टर्ड में भी फंडामेंटल अभी भी मजबूत जरूर है, बट बाकी कमोडिटीज में बिकवाली है उसका सीधा सीधा असर हम मस्टर में देख पाएंगे जो 3900 से 3920 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर 4050 के ऊपर होल्ड करने पे हम तेजी देखेंगे, अदरवाइज 4000 से 4050 के बीच में ट्रेड करेगा। मसालों में भी एक बिकवाली रह सकती है आज, जो करीबन 5980-5920 का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। जीरे में 14100 के टारगेट के लिए बेच के चलना चाहिए। धनिया काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल 7000 का लेवल छूने के बाद मार्केट में रिकवरी की जगह पे बिकवाली प्रेशर बना है, तो आज हमें लगता है कि प्रेशर बना हुआ रहेगा जो 6700 से लेकर 6550 तक का लेवल दिखा देगा। चने में अभी भी तेजी का रुख कायम है, बट अगली अदर क्रॉप में अगर डैमेज अदर क्रॉप में अगर प्रेशर है तो उसका रिप्लिका हम चने में भी देख पाएंगे। तो 5000 के लेवल के करीब मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, जब तक प्राइजेस 5000 के ऊपर नहीं जाता है पॉसिबिलिटी हम 4700 का लेवल फिर से देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में दबाव बना हुआ रहेगा जो 1780 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार सीड गवार गम दोनों में ही गिरावट का रुख कायम है, जिस ढंग से हार्मोनिक पैटर्न हमने गवार गम में बनता हुआ देखा जो कहीं ना कहीं गवार सीड और गवार गम दोनों पे ही प्रेशर लाता हुआ दिखाई देगा। सीपीओ के प्राइजेस में 755-760 के बेस पे एक बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है, जिस ढंग से मलेशिया में बायोडीजल डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है और सप्लाई साइड कुछ कंसर्न बने हुए हैं जो सीपीओ को तेजी में रहेगा। कॉटन प्राइसेस 18000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, 18000 से 17600 के बीच में ट्रेड करेंगे। धनिया में अगर चार्ट की बात करें तो धनिया ने 6900 का लेवल तोड़ने पे हमें लग रहा है कि एक बड़ी बिकवाली बन सकती है जो नीचे में 66-70 तक का लेवल दिखा देगी। गवार गम में भी हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो कहीं ना कहीं 6500 के नीचे मार्केट में गिरावट रहेगी जो 6200 से लेकर 6100 तक का लेवल देखने मिल जाएगी। कॉटन 18000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में दबाव रहेगा जो 1980 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।